आज जो टॉपिक हम लोग आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और हर सजीव के साथ वो जुड़ा हुआ है। अक्सर जब हम लोग कहीं पर भी, चाहे घर पे हो, बाहर हो, दफ्तर में हो, स्कूल में हो, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग को चोट लग जाती है या हम लोग गिर पड़ते हैं, या घर में सब्जी काटते काटते, डस्टिंग करते हुए, मतलब घर को साफ करते हुए, बर्तन धोते हुए, अगर हमारे शरीर के किसी भी हिस्से में अगर थोड़ी सी भी चोट लगती है तो क्या होता है? खून निकलता है। आपको कैसे पता कि वो खून है? हमको इससे पता चलता है कि जो लाल रंग का द्रव हमारे शरीर के किसी भी हिस्से के कट जाने पर, चोट लग जाने पर, खुरच जाने पर, हालांकि जैसे ये बास्केटबॉल ग्राउंड में अगर आप खेल रहे हो और अचानक से फिसल गए तो घुटना छिल जाता है, तो घुटने के छिलते ही वो जगह लाल हो जाती है और कभी कभी तो ब्लड, मतलब खून बहने लगता है और कभी कभी केवल वहां पर जम जाता है। तो इस चीज को जो आप लोग ब्लड कहते हैं, लाल रंग का द्रव हमारे पूरे शरीर में है, तभी तो किसी भी हिस्से में चोट लगती है, चाहे वो आंख हो, नाक हो, कान हो, हाथ हो, पैर हो, शरीर के अंदरूनी हिस्से हो, जैसे एक्सीडेंट्स वगैरह में शरीर के अंदरूनी हिस्सों से, बाहर से तो चोट नहीं दिखती लेकिन नाक से खून बहता है ना, तो ये कहीं से भी हमारे शरीर से निकल सकता है। तो ये लाल रंग का द्रव जो हमारे शरीर में दौड़ रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं? रक्त। रक्त को अगर हम बोलचाल की भाषा में कोई तुमसे पूछे खून क्या है, अगर मैं पूछूं कि खून है क्या, क्या है इसको कैसे परिभाषा बनाएंगे, क्या है खून? लाल रंग का पानी, लाल रंग का द्रव जो हम हमारे सजीवों के शरीर के अंदर है। तो अगर हम एक लाइन में किसी को बताना चाहें कि ब्लड होता क्या है, ऐसे तो सब लोग जानते हैं कि खून क्या है, छोटा बच्चा भी जानता है, अगर छोटा बच्चा केजी क्लास का भी गिरता है तो कहता है कि खून निकल रहा है, वो भी कहता है ना कि चोट लग गई है, उंगली से खून निकल रहा है या ब्लेड से पेंसिल छीलते समय खून निकल गया, उसको भी पता है कि लाल रंग की चीज जो है वो खून है। अब ये लाल रंग की स्याही तो खून नहीं है ना, इसीलिए मैं कह रही हूं शरीर में, मानव शरीर में बहने वाला लाल द्रव रक्त कहलाता है। मानव शरीर में या किसी भी सजीव में लाल द्रव रक्त कहलाता है। समझ गए? ऐसे ही बताएंगे ना कि लाल रंग का जो चीज हमारे शरीर के अंदर है वही तो खून है। अभी हमें ये नहीं पता ना वो बना कैसे है, वो किस किस चीज से बना है। आज हम यही सब पढ़ेंगे कि जो हमारा खून है वो कैसे बना है। अच्छा, ये तो सब लोग जानते हैं कि हमारा पूरा शरीर जो है उसमें रक्त नलिकाओं का जाल है, है कि नहीं है? सिर से लेके पैर की तलवों तक पूरे में, कहीं पर भी आप सब लोग अपनी ऐसे हाथ देखो, हाथों को ध्यान से देखो, छोटी छोटी नलिकाएं दिखती हैं, दिख रही हैं? और अगर किसी एक पॉइंट को यो दबाओ, ऐसे दबाओ, दबाया और छोड़ो तो वो चीज लाल हो जा रही है, या यहां ऐसे दबाओ, ऐसे उंगली को दबाओ जैसे मैं दबा रही हूं, और अगर मैं इस उंगली में सुई लगा दूं तो निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। तो ये प्रूव करता है कि हमारे पूरे शरीर के अंदर खून है, छोटी छोटी नलिकाओं में। अगर मेरे को यहां ब्लेड लग जाए या कांच लग जाए तुरंत खून बहता है, वो इसीलिए बहता है क्योंकि पूरा शरीर खून की नलिकाओं से ढका हुआ है। जो ये चमड़ी है, हमारी स्किन है, इस त्वचा के नीचे पूरा जाल बिछा हुआ है खून की नलिकाओं का, इसीलिए तो चोट लगते ही खून निकलता है, निकलता है कि नहीं? अच्छा, जो खून नहीं निकलता है तो क्या होता है? अगर मुझे चोट लग गई, देखिए जैसे मैं दरवाजा बंद कर रही थी, मेरा हाथ इसके अंदर आ गया है,
खून तो नहीं निकला, जम गया। यहाँ पे लाल निशान बन जाते हैं खूब गाढ़े, कि मतलब स्किन तो नहीं टूटी लेकिन वो नलिकाएं जम गई, वो खून जम गया और बहुत दुखता है, फिर बहुत दर्द होता है, मोच आती है, ये सब। तो ये हमारे अंदर रक्त प्रवाह हो रहा है। अच्छा, किस किस जानवर में आपने लाल रंग का खून देखा है? सब में नहीं, सारे जानवरों में लाल रंग का खून नहीं होता। जो छोटे जानवर जैसे कॉकरोच केचुआ और गेंगा मक्खी, इन सब में लाल रंग का द्रव, इनमें लाल खून नहीं होता। जिन जिन में लाल खून होता है वो नाम बताओ। हाथी में लाल खून होता है। एक मिनट कंफ्यूज मत होइए। मच्छर में लाल खून नहीं होता, वो हमारा पीता है वही होता है, वो हमारा खून जो पी लेता है वही लाल, उसके शरीर के खून का रंग लाल। देखो जितने बड़े जानवर है, ऊंट बकरी गाय भैंस कुत्ता बिल्ली शेर चीता, जितने बड़े जानवर आप लोगों ने देखे हैं, इन सब में लाल रंग का ही खून होता है और उनके भी खून निकलता है। जब कुत्ता मर जाता है या बिल्ली, इवन चिड़िया के भी लाल रंग का खून निकलता है, क्योंकि जो लोग चिकन खाते हैं, जो लोग नॉनवेज खाना खाते हैं, चिकन खाते हैं या मांस मच्छी खाते हैं, उनको पता है उनके शरीर का खून भी लाल होता है। आप लोग अगर कभी बाजार में खरीदने गए हो तो आपको पता चलेगा, जो मछली बिकती है या ये, उनका भी खून का रंग लाल होता है। मेरे कहने का केवल इतना मतलब है कि जितने भी सजीव हैं, जितनी भी जिंदा चीजें हैं, सब में एक द्रव पाया जाता है, लेकिन जो लाल रंग का द्रव होता है उसको हम लोग रक्त कहते हैं, और ये उच्च श्रेणी के सजीवों में लाल होता है, और जो निम्न श्रेणी के सजीव होते हैं, छोटे जाति के सजीव जैसे केचुआ कॉकरोच, इनमें लाल नहीं होता। आज हम अपने लेसन की शुरुआत करने जा रहे हैं कि ये कैसे हम लोग बनता है, ये ब्लड क्या है, किस तरह से बना है, इसके शरीर में हमारे क्या क्या काम है, क्या क्या कार्य है। समझ गए? किसी को कुछ इसके बारे में पता है कि क्या है? नहीं, इतनी जल्दी तो हीमोग्लोबिन पे नहीं आएंगे हम लोग। रक्त की संरचना, अच्छा पहले तो ये बताओ कि आप सब लोगों को मैंने पिछली बार भी बताया था कि जो कोशिकाएं होती हैं वो हमें आंखों से दिखाई नहीं। तो उसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? वेरी गुड, सूक्ष्मदर्शी लाना पड़ेगा, और सूक्ष्मदर्शी से हम लोग अपनी एक बूंद ब्लड की स्लाइड बनाएंगे, स्लाइड पे यूं फैलाएंगे, और फिर मैंने दिखाई भी थी एक बार कि उसको सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे। जब हम ब्लड की एक बूंद को, रक्त की एक बूंद को सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं, तब हमें पता चलता है कि रक्त किस किस चीज से मिलकर बना होता है। रक्त की संरचना मुख्यतः इसके दो भाग होते हैं। रक्त की संरचना के मुख्यतः नहीं, पहला है रुधिर कणिकाएं। क्या कहते हैं? रुधिर कणिकाएं। और दूसरा है प्लाज्मा। मैं आज एक चित्र बना के आई हूं जो एक सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर, एक स्लाइड को देखने पर रक्त की संरचना हमें कैसी दिखाई दी। ये बहुत छोटी सी एक बूंद है ब्लड की, खून की, जिसको हमने सूक्ष्मदर्शी से देखा है, और उस सूक्ष्मदर्शी से हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। इसके अंदर आपको कुछ दिखाई दे रहा है? दे रहा है आपको कुछ कुछ दिखाई दे रहा है? इसके अंदर सबसे पहले जो एक बड़ा सा गोला है, इसके अंदर छोटे छोटे दाने दिख रहे हैं। डॉट 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 बनाए मैंने, बनाए कि नहीं? डॉट बनाए ना, छोटी छोटी बिंदी, जो छोटी छोटी बिंदी बनाई हैं, वो एक पानी के जैसा द्रव है जिसका नाम है प्लाज्मा। क्या नाम है? और दूसरी संरचनाएं जो दिख रही हैं, कुछ गोलाकार हैं, कुछ चपटी हैं,
कुछ मोटी हैं, किसी में केंद्रक है, किसी में पतली हैं, तो ये जो दूसरी संरचनाएं दिख रही हैं, उनको हम कहते हैं कणिकाएं। क्या कहते हैं? अभी मैंने बताया कि रक्त दो चीजों से मिलकर बना है, रुद्र कणिकाएं और प्लाज्मा। समझ में आ गया कि प्लाज्मा लिक्विड है, द्रव है, जिसके अंदर ये कणिकाएं छाई हुई हैं, अलग अलग तरह की कणिकाएं। देखो एक जैसी नहीं है, और इनका रंग क्या है? लाल, क्योंकि हमारे शरीर में खून का रंग लाल ही होता है। अब मैं आपको ये कणिकाओं के बारे में बताऊंगी कि कणिकाएं कितनी तरह की होती हैं और उन कणिकाओं का आकार कैसा होता है। प्लाज्मा जो है वो द्रव है जिसके अंदर ये कणिकाएं पाई जाती हैं। अगर प्लाज्मा न हो तो ब्लड सूख जाएगा। अगर प्लाज्मा न हो, अगर पानी न हो, तो ये कणिकाएं किस में रहेंगी? नहीं रह पाएंगी। तो ये प्लाज्मा के अंदर तैर रही हैं। ये जो कणिकाएं हैं ये प्लाज्मा के अंदर तैर रही हैं। अब पहले अब आप बताइए कि ब्लड कौन से दो कंपोनेंट्स, मतलब दो पदार्थों से मिलकर बना है? और प्लाज्मा। अब आज मैं अभी पढ़ाऊंगी कि रुधिर कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं। जो हमारी जो ये रुधिर कणिकाएं हैं, ये ब्लड का करीब करीब 40%, मतलब 100 में से 40 भाग, 100 में से 40 भाग इन रुधिर कणिकाओं का बना होता है, बाकी 60% प्लाज्मा होता है। जैसे अगर मैं ग्लास ले लूं तो उसके 10 हिस्से कर लूं तो 6 हिस्सों में प्लाज्मा आएगा और 4 हिस्सों में रुधिर कणिकाएं। अब समझ गए क्या हुआ? 40% मतलब किसी को 10 में हम भाग कर दें तो 4 हिस्से कणिकाएं और 6 हिस्से प्लाज्मा। इसी को कहा जाता है परसेंट, मतलब प्रतिशत। आप बात आई समझ में? अब जो रुधिर कणिकाएं हैं ये 3 तरह की होती हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। पहली लाल रुधिर कणिका, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये लाल। अभी इसके बारे में पढ़ेंगे, पहले हम लोग तीनों के नाम जान जाएं कि किससे बनी। और तीसरा बिंबाणु या प्लेटलेट्स। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है ये लाल रंग की, श्वेत सफेद रंग की और प्लेटलेट्स। सबसे पहले आज हम लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों ने सबने तश्तरी देखी है? प्लेट, ये क्या है? प्लेट है ना, प्लेट ही तो है। आप लोगों ने इस चित्र में देखा होगा तश्तरी नुमा संरचनाएं। जैसे ये प्लेट्स हैं, इनको एक के ऊपर एक हम रख दें, ये प्लेट चार हम जोड़ दें, एक के ऊपर गुच्छा। आप लोग घर में प्लेट्स में खाना खाते हो? जब बर्तन लगाते हो तो एक प्लेट, फिर दूसरी प्लेट, फिर तीसरी प्लेट, फिर चौथी प्लेट, ऐसे रखते हो। तो देखो इसमें ऐसी संरचनाएं दिख रही हैं, है ना, जैसे तीन तीन प्लेटें एक साथ जोड़ दी गई हैं, दिख रही है? किसी में दो दो प्लेट, केला नहीं, ये तश्तरियां हैं बेटा। देखो जैसे ये तश्तरियां मैंने दो जोड़ दी, एक के ऊपर एक रख दी। ये तश्तरी नुमा दोनों तरफ से पिचकी हुई, जो प्लेट होती है ऊपर से पिचकी होती है ना, लेकिन ये वाली जो तश्तरी है ये दोनों तरफ से पिचकी हुई। देखो जैसे अगर हम इसका उदाहरण ले लें तो यहां से भी पिचकी हुई, यहां से भी पिचकी हुई। जो लाल रुधिर कणिकाओं का जो आकार मैं बता रही हूँ, दोनों तरफ से पिचकी हुई प्लेट के समान होता है। कंसेप्ट समझ में आया कि आकार कैसा होता है? दोनों तरफ से पिचकी हुई, यहाँ भी पिचकी हुई, यहाँ भी। और अगर दोनों तरफ से उभरी हुई होती तो ऐसे होती, यहाँ से भी उभरी हुई, यहाँ से भी, लेकिन क्योंकि दोनों तरफ से पिचकी हुई, मतलब गड्ढा। ये किस लेंस में था? अवतल, वेरी गुड आंसर। ये अवतल लेंस में था।
कॉनवेक्स, जिसको कहते थे हम लोग कॉनवेक्स, दोनों तरफ से पिचका हुआ, दोनों तरफ से उभरा हुआ उत्तल। देखिए साइंस कैसे रिलेट होती है, हमने आपको लेंसेज पढ़ाए थे लेकिन यहाँ काम आ रहा है कि हम रुधिर पढ़ रहे हैं, इसीलिए कहते हैं विज्ञान के सारे लेसन एक दूसरे से जुड़े होते हैं। बात आई समझ? अब सबसे पहले हमने इनका आकार जान लिया कि हम इनकी जो कणिकाएं, अच्छा इसका गोल आकार होता है, जैसे ये गोल है, पहला पॉइंट लाल रुधिर कणिका का हम लोग लिखेंगे, इसको मिटा देते हैं हम, और लाल रुधिर कणिका को हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे, आर बी सी, अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें आर बी सी, मतलब रेड ब्लड कॉर्पसल्स, मतलब लाल रुधिर कणिकाएं। सबसे पहले ये गोल होती हैं, तश्तरी नुमा होती हैं, दोनों तरफ से पिचकी हुई, दोनों तरफ से पिचकी हुई होती हैं, और एक और इनका है, इनमें केंद्रक नहीं होता, तश्तरी नुमा केंद्रक विहीन, केंद्रक विहीन मतलब इनमें केंद्रक नहीं होता है। पहला लक्षण बोलिए क्या क्या होती है, लाल गोल तश्तरी नुमा दोनों ओर से पिचकी हुई, इसको कहते हैं उभयावतल, दोनों तरफ से पिचकी हुई या उभयावतल। आपने बताया था ना कि अवतल, अवतल शब्द से बना है उभय अवतल, उभय मतलब होता है दोनों तरफ से पिचकी हुई जो होती है उसको हम इस शब्द से कहते हैं, दोनों तरफ पिचकी। और एक कोई कैरेक्टर बताइए जो लाल रुद्र कणिका का आपको पता हो, गोल होती है, तश्तरी नुमा होती है, केंद्रक विहीन होती है, दोनों तरफ से पिचकी हुई होती हैं। और ये लाल रुधिर कणिकाएं जो होती हैं, अभी मैंने बताया कि लाल कणिकाएं कितना प्रतिशत बनाती हैं, 40 बनाती हैं, तो जब ये जो तीन हिस्से हैं कणिकाओं के, इसमें 90% हिस्सा लाल रुधिर कणिकाओं का होता है, समझ लीजिए 90% जो हिस्सा है वो लाल रुधिर कणिकाओं का, बाकी 10% जो हिस्सा है वो श्वेत रुधिर कणिकाएं और प्लेटलेट्स होती हैं, मतलब इनकी संख्या हमारे शरीर में सबसे ज्यादा होती है, और ये जो होती है एक आवरण में ढकी होती है, मतलब इसके चारों तरफ एक झिल्ली होती है, जैसे ये देख रहे हो बाउंड्री, ऐसे ये चारों तरफ इसकी एक झिल्ली होती है, लेकिन इसमें केंद्रक नहीं होता है, लेकिन कुछ कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, जैसे ऊंट, ऊंट की जो लाल रुधिर कणिका होती है उसमें केंद्रक होता है, हम बाकी सब स्तनधारियों में नहीं होता लेकिन ऊंट के में होता है, कुछ कुछ होता है ना, अलग तरह की बातें भी जो हमें याद रखनी पड़ती हैं, ऊंट में होता है लेकिन मानव में और बाकी किसी भी लाल रुधिर कणिका में केंद्रक नहीं होता है। रक्त का रंग लाल क्यों होता है? वेरी गुड आंसर, जो लाल रुधिर कणिका है उसकी वजह से ही है, ब्लड का जो रंग है लाल रुधिर कणिका की वजह से ही लाल है, क्योंकि प्लाज्मा लाल नहीं है, श्वेत रुधिर कणिका भी लाल नहीं है और प्लेटलेट्स भी लाल नहीं है, जो लाल है वो केवल लाल रुधिर कणिका है, और जो लाल रंग होता है वो किस वजह से होता है, यही मैं बता रही हूँ, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन का नाम है जो लाल रंग की होती है, समझ रहे हैं? हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन का, आप प्रोटीन खाते हो, कौन सी प्रोटीन खाते हो, किस में मिलता है, दाल, दाल में, सोया में, सब्जी में, सब में प्रोटीन होता है, तो जो लाल रंग की एक विशेष प्रोटीन होती है उसका नाम हीमोग्लोबिन होता है, और इस हीमोग्लोबिन की वजह से ही खून का रंग लाल होता है, और इस हीमोग्लोबिन की एक विशेषता है, एक तो ये खून को लाल रंग देती है, दूसरी विशेषता इसकी ये है कि जो ऑक्सीजन होती है जो हम सांस लेते हैं ये उसको अपने अंदर सोख लेती है, जब नाक में ऑक्सीजन जाती है तो नाक तो नहीं सोखता,
लेकिन फेफड़ों में जाती है, तो फेफड़ों में जो ब्लड होता है, आपको मालूम है फेफड़े लाल रंग के होते हैं, उसमें खूब सारा लाल रंग की जाल बिछा है खून का, नलिकाओं का, तो वो जितनी नलिकाएं होती हैं उसमें हीमोग्लोबिन होता है, तो हीमोग्लोबिन का ये लक्षण होता है कि ये ऑक्सीजन को अपने अंदर सोख लेता है और हीमोऑक्सिन बना लेता है, उसके साथ क्रिया करके हीमोऑक्सिन बना लेता है, और जब वो कोशिकाओं में पहुंचता है तो क्या करता है, ऑक्सीजन दे देता है और कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है, तब हीमोकार्बोऑक्सिन बना लेता है, तब क्या करता है, ऑक्सीजन को छोड़ देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस यहाँ तक ले आता है, फिर हम उसको नाक से निकालते हैं। इसीलिए अगर हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो सांस लेने में कठिनाई होती है। डॉक्टर कहता है इसको रक्त की कमी है, इसको खूब कौन सी चीजें खिलाओ, रक्त की कमी से अगर कोई बीमार है तो क्या खाएगा, क्योंकि ये जो हीमोग्लोबिन है वो लो तत्व, हरी सब्जियों में आयरन, आयरन में सबसे ज्यादा मिलता है। अब पहले इस बात को समझ लीजिए कि ब्लड का रंग लाल क्यों होता है, क्यों होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन का क्या है, वो कार्य क्या है हीमोग्लोबिन का, अच्छा अब ये बात बताइए कि जो ये लाल रुधिर कणिकाएं हैं ये हमारे शरीर के किस हिस्से में बनती हैं, हमारे नहीं हृदय में तो केवल स्टोर होती हैं, मतलब वहां जमा होती हैं, बनाता कौन है इनको हमारे शरीर में, किस जगह पर बनती हैं, हार्ट में नहीं बनती, आंतों में नहीं बनती, अच्छा सबको मालूम है हड्डियां, हड्डियां हड्डी सबको मालूम, हड्डियों को अगर हम अस्थि मज्जा में, हमारे शरीर की जो हड्डियां खोखली हैं अंदर से तो खोखली है ना, क्या लेकिन क्या उसमें हवा भरी है, किसकी हड्डी में हवा भरी है, चिड़िया, चिड़िया की हड्डी में हवा भरी होती है, हल्की होती है, लेकिन हमारे शरीर की जो हड्डियां हैं उसके अंदर ये बनती हैं। शरीर की जो हड्डी है उसको अगर हम तोड़ेंगे तो उसमें थोड़ा सा लिक्विड निकलता है, अस्थि मज्जा कहते हैं, अस्थि मज्जा में बनती है। कहां पर इनका निर्माण होता है, अस्थि मज्जा में बनती हैं जब हम बड़े हो जाते हैं, जब हम बच्चे होते हैं, माँ के गर्भ में होते हैं, जब हम भ्रूण होते हैं, जब माँ के पेट में बच्चा होता है तब ये जो बनती हैं वो यकृत या प्लीहा में बनती हैं। यकृत मालूम है ना आप लोगों को, जब मैंने पाचन तंत्र बना पढ़ाया था तब पढ़ाया था यकृत, तब जब भ्रूण होता है भ्रूण में ये कोशिकाएं यकृत या प्लीहा या स्प्लीन, लिवर, लिवर का तो नाम जानते हो, लिवर या स्प्लीन में बनती हैं, और हम बड़े व्यस्त लोगों में लाल रुधिर कणिकाएं अस्थि मज्जा में बनती हैं। लाल रुधिर कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है, एक तो रक्त को लाल रंग देना, दूसरा अभी बताया ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकालना। इसका अगर हम अलग से आपको चित्र बताएं लाल रुधिर कणिकाओं का, लाल रुधिर कणिकाओं का चित्र ऐसे बना हुआ है, देखो ये एक तश्त्री, ये ऐसे और इसके अंदर डॉट डॉट, किताब में देखो, किताब में देखिए ऐसे चित्र हैं, एक के ऊपर एक जैसे हम लोगों ने प्लेटें तय लगा ली हो, और एक चित्र ये ऐसा भी है, चपटी होती हैं, तश्त्री नुमा होती हैं, दिख रहा है, अच्छा अब हम एक बार पूरा रिवाइज कर लें कि जो हमने आज रक्त पढ़ा वो किस तरह की दो पदार्थों से मिलके बना है, रुधिर कणिकाएं और प्लाज्मा, उसमें जो रुधिर कणिकाएं हैं वो कितने तरह की हैं, तीन तरह की, कौन सी, लाल, श्वेत, 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 श्वेत,
प्लेटलेट, उसमें से भी जो हमने आज पढ़ा वो है लाल रुधिर। अब मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछती हूँ, देखूँ आज किसने सबसे सही से लेसन पढ़ा है। लाल रुधिर कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन को अंगों तक पहुंचाना और दूसरा ब्लड का कलर लाल। लाल रुधिर कणिकाओं का आकार क्या है? गोल। क्या लाल रुधिर, अच्छा अब ये बताइए कि हमारे शरीर में, ये तो मैंने बता दिया इसमें केंद्रक भी नहीं होता है, इनका जीवन काल मतलब कितने दिन तक ये जिंदा रहती है? कौन कह रहे हमेशा हमेशा ब्लड जिंदा नहीं रहता? हमारे शरीर में लगातार ब्लड बनता रहता है, एक मिनट, 127 दिन इनका जीवन काल एक एवरेज बताया गया है, 127 दिन का होता है। जैसे जो लाल रुधिर कणिका आज बनी है मेरे शरीर में, वो 127 दिन के बाद वो मर जाएगी, और रोज बनती जाएगी, मरती जाएगी, बनती जाएगी, मरती जाएगी। इसीलिए हमारे शरीर में ब्लड की कमी नहीं, जिसके शरीर में बनना कम हो जाता है उसको कमी हो जाती है। अब याद आया? और ये हमारे शरीर के किस हिस्से में बनती है? अस्थि मज्जा। और भ्रूण में कब बनती है, कहाँ बनती है? यकृत और प्लीहा में। इसमें जो ब्लड का लाल रंग है किसकी वजह से है? हीमोग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन क्या है? किस सब्जी के खाने से हम, हरी सब्जी में क्या मिलता है? आयरन। लो तत्व है जो कि हीमोग्लोबिन को बनाने में सहायता करता है। अब आज का लेसन हमारा यही खत्म होगा, और कल भी हम लेसन पढ़ाएंगे और जो श्वेत रुधिर कणिकाएं और प्लेटलेट्स हैं उनके बारे में।